नववर्ष के पूर्व संध्या को अंबाजरी पुलिस ने क्षेत्र के कोयलाज कैफे पर छापा मार कार्रवाई की। प्राप्त जानकारी अनुसार अंबाजरी पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि भरतनगर स्थित कोयलाज कैफे में कैफे की आड़ में अवैध हुक्का पार्लर चलाया जा रहा है। जानकारी मिलते ही अंबाजरी थाने की पेट्रोलिंग टीम कैफे पहुंची। कैफे की तलाशी लेने पर वहां से हुक्का पॉड और हुक्का फ्लेवर मिले। ये हुक्का पार्लर रितेश भावी और दिनेश खंडाती नामक व्यक्ति चलाते थे। पुलिस ने दोनों पर भी मामला दर्ज किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में चार हुक्का पॉड और फ्लेवर मिलाकर कुल 9000 का माल जब्त किया है। आगे की जांच चल रही है। श्री अमितेश कुमार सर और हमारे डीसीपी श्री मदने सर, इनके आदेश के मुताबिक हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन और पेट्रोलिंग के लिए हमने पूरे ऑफिसर्स और डीबी पथक को रवाना किया था। हम खुद भी उसमें शामिल थे। कल रात को 11:30-12 के आसपास हमारे डीबी टीम और नाइट ऑफिसर पेट्रोलिंग करते समय भरतनगर चौक में एक कोयलाज हुक्का पार्लर है, उनमें जब उन्होंने चेकिंग के लिए गए तभी उनको वहाँ पे कुछ कस्टमर जो कोटपार्क में बयान है ऐसे हुक्का पीते वगैरह मिलने के बाद में उन्होंने वहाँ पे रेड कार्रवाई किया और उसमें चार कस्टमर को हुक्का पीते वक्त मिलने के बाद में ताबे में लिया था। उसमें से उनके ऊपर हमने कोटपार्क सेक्शन 4A और सेक्शन 21A के तहत हमने अपराध रजिस्टर किया है। इसमें जो चलाने वाला है और मैनेजर है, दोनों आरोपी इसमें शामिल है। उनके नाम है रितेश गौतम भावे, उम्र 29 साल, रहना अंबाजरी टेकड़ी बौद्ध विहार के बाजू में पुलिस थाने अंबाजरी। दूसरा है दिनेश हीरामन खंडाते, उम्र 35 साल, ये भी रहना है अंबाजरी टेकड़ी में है, अंबाजरी पुलिस स्टेशन के अंडर है। ये दोनों आरोपी के खिलाफ हमने अपराध रजिस्टर किया है और ये कार्रवाई हमारे डीबी पथक के ASI सोनावने अंकुर अमित और नाइट ऑफिसर PSI शर्मा के इन्होंने किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।